दा कर अभी बस करो मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ तुम कब से अपने बेटे ओवरलॉर्ड को देख रहे हो ये भी मर चुका है लेकिन हा मेटी कोई तरीका तो होगा इसको जिंदा करने का नहीं है दा कर इसको जिंदा करने का कोई भी तरीका नहीं है मेरे ख्याल से अभी ये दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा लेकिन प्लीज तुम इसको देखना बंद करो कैसे देखना बंद करो हा मेटी एक ही तो सारा था मेरे पास वो भी मर चुका है मैं हूँ ना दाकर्स तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त और अभी तो मैं हेल्प बॉस भी बन गया हूँ सोच रहा हूँ की तुम्हें सारे के सारे हेल्थ कम्पेन्स का हेड बना दो लेकिन हेल्थ गॉड भी तो सकता था ना दर्स अभी देखो तुम दोबारा वही बात कर रहे करो हेलगोड नहीं रुक सकता था उसने अपनी पावर्स को निकाल दिया था और हम लोगों ने ओवरलॉड से पूछा भी था कि हम लोग सर्बिया डांसिंग लेडी को मार दें तो इसने बोला था कि हाँ ठीक है मार दो लेकिन फिर जैसे ही हेल डांसिंग लेडी को मारने लगा था एकदम से ओवरलोड सामने आ गया इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा दुख है मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी वो भी सर्बिया डांसिंग लेडी के लिए मैं भी यही बात सोच रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छा है इसने अपनी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी लेकिन जब इसकी माँ सर्बिया डांसिंग लेडी की बारी आई थी तो उसने डेवल दिया ओवरलोड को मार दो लेकिन ओवरलोड ऐसा नहीं था यार गाइस इसने अपनी माँ को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी नहीं छोड़ूंगा हामिटी सरबिया डांसिंग लेडी को नहीं छोड़ूंगा तुम्हें पता है ना दर्स हेल गॉड का ऑर्डर है की हम लोग सर्विया डांसिंग लेडी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं क्या करूँ हामिटी यहाँ पे बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ देखो हम लोग को डेविल गॉड को मारने का कोई ना कोई प्लान बनाना है एक दफा ये डेविल गॉड मेरे सामने तो आए हामिटी उसके बाद तुम देखना इसी बात का इंतजार तो दर्स मैं भी कर रहा हूँ एक दफा बस डेविल गॉड मेरे सामने आ गया ना तो फिर यार गाइस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं पावर्स तो मेरे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा है क्योंकि मैं बन चुका हूँ हेल्प बॉस और मेरे ख्याल से ये बात अब तक डेवल्ट गॉड को पता चल गई होगी तो वो हम लोग के पास तो आएगा इतना तो मुझे पता है की यारे गॉड के हम लोग सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है तो मुझे इतना पता है की वो हम लोग के पास आएगा और अगर एक दफा वो हम लोग के पास आ गया तो फिर उसके बाद यार गाइस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं लेकिन डेवल गॉड को मारने के लिए द कर्स मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी और अगर तुम इसी तरह अपने बेटे ओवरलॉर्ड को देखते रहोगे तो फिर उसके बाद हम लोग डेवल गॉड का मुकाबला किस तरह करेंगे हाँ बेटी जब तुम बाप बनोगे ना उस वक्त मैं तुमसे पूछूंगा अच्छा चलो ठीक है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा उदास हो लेकिन अभी बस करो करोदाकर्स मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा मैं जल्दी से सिंचन और चौप को यहाँ पे लेकर आता हूँ उसके बाद हम लोग ड्रेवल गॉड को मारने का कोई ना, कोई ना कोई प्लान बनाएंगे पता नहीं अभी है, सिंचन और चौप लोगों ने देखा है क्या हेल्प है सिंचन और चौप बाहर गए हैं इतनी रात को ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता पता नहीं क्या कर रहे हैं बाहर अच्छा चलो ठीक है मैं जाके चेक करता हूँ और इन लोग की गाड़ियाँ किधर है सिंचन और चौप की गाड़ी ट्राइवर लेके गया है तो फिर ट्राइवर की गाड़ी किधर है ने तो अपनी गाड़ी सेल कर दी क्या करता है यार ये ने अपनी गाड़ी को सेल कर दिया है इतनी मुश्किल से मैंने उसको उसकी गाड़ी अपग्रेड करके दी थी यार ये सारी, की सारी हैं। और ने पता नहीं अपनी गाड़ी सेल कर दी अभी जब ये वापस आएगा ना फिर मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ लेकिन उससे पहले जरा सिंचन और चौप को चेक कर लू की वो लोग क्या कर रहे हैं अरे यहा हमि ये देखो सर्बे डांसिंग लेस कर रही है वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन सर्वे डांसिंग लेडी लगता है तुम इस तरह बात नहीं मानोगी मैं तो बोलता हूँ की हम लोग इसको खत्म कर देते हैं यार मैं भी चौप अभी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ क्यूँकी इसकी अकल में बात आ नहीं रही है सर मैं डांसिंग लेडी मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहां से चली जाओ नहीं जाऊंगी मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी एक तो मुझे इसकी समझ में डांस कर रही है, अपने बेटे को देख के रोने लग जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा चाहती है उस वक्त मैं डांस करती हूँ अजीब ही केस है इसका कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन मैं डांसिंग निकलना होगा क्योंकि मैं कर्स के साथ यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ जब तक मेरा हस्बैंड द कर मुझे माफ नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी अगर तो हेल गॉड ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया होता लेकिन यहाँ से, जाओ। से कहीं जाऊंगी इसका मतलब यह है की ऊपर गुस्सा है हामिटी अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो सोच तो मैं यही रहू की हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दू सरबानसिंग चुपचाप साइड पे हो जाओ लेकिन हामिटी प्लीज तुम मुझे टॉर्चर करके मारना मुझे तुम पहले यह बताओ कि तुम्हारी बॉडी सही से विजिबल क्यों नहीं है हामिटी सारी की सारी मेरे पास पावर मैं किसी भी समय गायब हो सकती हूं और जब चाहे किसी को दिख भी सकती हूँ तो मुझे इसकी पता है यार पावर्स तो उसके पास काफी है लेकिन अगर दा कर्स ने इसको देख लिया ना, उसके बाद वो काफी अपसेट हो जाएगा, तो डांसिंग तुम चुप चाप निकल जाओ और दोबारा हम लोग के पास आना एक मिनट एक मिनट मर तो नहीं गई लगता है की मर गई मना किया था कि इसको मारना नहीं है सर्बियन डांसिंग लेडी तुम ठीक हो गया तुमसे बात कर रहा हूँ ठीक हो यहाँ फिर नहीं जवाब दे रही है लगता है कि मर गई हाँ मुझे तो लगता है कि मर गई होगी मर गई तो मैं क्या करूँ हाँ मिट्टी में जिंदा

सिंचन को हेल्प बॉस बना दू सिर्फ पांच मिनट के लिए बाकी नहीं पांच मिनट नहीं यार इस पांच सेकंड के लिए सिंचन मेरे पास तो बहुत ज्यादा बड़े विंग्स है एक तुझे अभी चेक कराता ये देख मेरे विंग्स कितने ज्यादा बड़े हैं और अभी अगर ये वाले विंग्स सिंचन के ऊपर आ जाए तो फिर यार सिंचन कैसा दिखेगा मुझे तो लग रहा है सिंचन नजर ही नहीं आएगा क्यूँकी विंग्स काफी ज्यादा बड़े हैं और अगर ये वाले विंग्स चॉप तेरे ऊपर आ जाए तो फिर कैसा लगेगा तू मुझे तो लगता है की मेरे पास कभी भी हेल्प बॉस की पावर्स नहीं आ सकती यार देख चॉप मैं हेल्प बॉस बन चुका हूं ना मैं जिसको चाहे अपनी पावर्स दे सकता हूँ लेकिन यार गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सिंचन को हेल्प बॉस बनाऊँ सिर्फ और सिर्फ दो मिनट के लिए तो फटाफट से वीडियो को को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और फिर उसके बाद कमेंट करके सिंचन हेल्प बॉस लिख देना और अगर आप में से दस लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया और कॉमेंट करके सिंचन हेल्प बॉस लिख दिया उसके बाद मैं सिंचन को अपने विंग्स दूंगा तो हम लोग देखेंगे यार गाइस सिंचन विंग्स के साथ कैसा लगता है

को पता चल गया कि सरबिया डांसिंग लेडी अभी तक इधर ही है तो फिर यार गाइस ये बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और मुझे पता है कि द कर्स को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है अगर इसको ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो फिर ये हेल गॉड की भी नहीं सुनने वाला है मुझे पता है कि द कर्स मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और वो दोबारा मुझसे कभी शादी नहीं करेगा लेकिन अब मैं क्या करूँ सोच रही हूँ की डेविल गॉड के पास जाके उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दू उसके बाद हमिटी मुझसे बहुत ज्यादा खुश होगा और हो सकता है की कर्स भी मुझसे दोबारा शादी कर ले लेकिन अब मैं डेविल गॉड को ढूंढूंगी कितना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है कि मैं उसको मार नहीं पाऊंगी लेकिन मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ हामिटी को मैंने इतनी दफा बोला कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर कर दे लेकिन हामिटी हामिटी तो ये सब कुछ नहीं नहीं रहा हेल गॉड ने को को ऑर्डर दिया है सर्बियन डांसिंग लेडी को नहीं मारना और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही की गॉड मेरी जान क्यूँ बचा रहा है लेकिन अगर हामिटी मुझे नहीं मारेगा तो क्या हुआ गॉड तो मुझे मार देगा इसलिए मुझे अभी जल्दी से डेवल गॉड के पास जाके उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करनी होगी और अगर डेविल गॉड मर गया फिर तो ठीक है लेकिन अगर वो ना मरा उसके बाद वो मुझे मार देगा और मेरा काम हो जाएगा क्योंकि वैसे भी मुझे जी अभी जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सबसे पहले मैंने द कर्स को छोड़ के डेविल गॉड से शादी की उसके बाद अपने बेटे ओवरलॉर्ड को भी मरवा दिया ये सारी की सारी मेरी गलती है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा और अब अगर मैं मरना चाहती हूँ तो मुझे कोई मार भी नहीं रहा लेकिन ये काम डेविल गॉड जरूर करेगा मुझे जल्दी से डेविल गॉड के पास जाना होगा डेविल गॉड के पास जाने की क्या जरूरत है डेविल गॉड तुम्हारे पास खुद आ गया है अभी बताओ सर्बिया डांसिंग लेडी तुम क्या बोल रही थी डेविल गॉड मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी अच्छा तो सर्बिया डांसिंग लेडी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकती हो हाँ डेविल गॉड मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम ये कैसे भूल सकती हो सरबिया डांसिंग लेडी के मैं तुम्हारा हस्बैंड डेविल गॉड हूँ डेविल गॉड अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो फिर तुम मुझे मुश्किल में छोड़ के भागते नहीं तो तुम क्या बोलती हो की मैं हेल गॉड का मुकाबला करता क्या हाँ डेविल गॉड तुम्हें हेल गॉड का मुकाबला करना चाहिए था लेकिन तुम भगोड़े हो तुम भाग गए थे तुमने बिल्कुल ठीक बोला सरबिया डांसिंग लेडी में भाग गया था लेकिन यह सब कुछ मेरा एक प्लान था और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो सरबिया डांसिंग लेडी तुम

लेगा, सोच रही हूँ की टेबल गोड को अभी इसी वक्त खत्म कर दू लेकिन ये पता नहीं ऐसे मरेगा भी या फिर नहीं नहीं ये तो मुझे पता चल गया की टेबल गोड को कुछ भी नहीं कर सकती मैं मर जाओ मर जाओ लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा मेरे पास एक और प्लान है जल्दी से इसकी गाड़ी के अंदर बैठती हूँ और ये वाली गाड़ी तो वैसे भी ट्रेवल गॉड की अगर मैंने इसको इसी की गाड़ी से मार दिया तो फिर उसके बाद हो सकता है कि ये मर जाए मर जाओ ट्रेवल गॉड मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी इसने मुझे बहुत ज्यादा धोखा दिया है और आज मौका मिला है अपना बदला लेने का लेकिन ये क्या ये दोबारा कैसे खड़ा हो गया सर लेडी ये क्या कर रही हो तुम मार दूंगी तुम्हें गॉड हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी तुम शायद भूल रही हो की मैं डेविल गॉड हूँ और मुझे कोई भी नहीं मार सकता लेकिन डेविल गॉड शायद तुम भी भूल हो की मैं एक टाइम पे तुम्हारी बीवी थी और अभी टाइम आ चुका है तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का तुम जितनी भी कोशिश कर लो सरबिया डांसिंग लेडी मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगी नहीं डेविल गॉड नहीं आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा तो मैं तुम्हारी गाड़ी ऐसी खत्म करूंगी करो सरबिया डांसिंग लेडी जितनी कोशिश कर सकती हो कर लो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा लगता है की डेविल गॉड बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन कोई बात नहीं मैं चाहती हूँ की ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे आज सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा या तो डेविल गॉड मरेगा या फिर सर्वियन डांसिंग लेडी मरेगी बहुत सर्वियन डांसिंग लेडी पागल हो गई हो क्या हाँ गॉड मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी तुम्हें मैं खड़ा भी नहीं होने दूंगी कुछ भी हो जाए मुझे इसको खत्म करना होगा लेकिन ये ये किस चीज का बना है अभी तक ये मर क्यों नहीं रहा इतनी ज्यादा दफा मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है लेकिन ये दोबारा खड़ा हो जाता है मुझे कुछ भी करके इसको जल्दी से खत्म करना होगा लेकिन नहीं ये तो मर नहीं रहा और अपनी पावर्स को भी मेरे ऊपर नहीं यूज कर रहा अगर तो ये अपनी पावर्स मेरे ऊपर नहीं यूज करेगा तो फिर मैं मरूंगी कैसे हाँ मिट्टी तो मुझे वैसे ही नहीं मार रहा क्योंकि उसको गॉड ने ऑर्डर दिया है डांसिंग लेडी को कुछ नहीं करना लेकिन इस डेविल गॉड को तो मुझे मारना चाहिए ये भी मुझे कुछ नहीं कर रहा तो फिर मैं मरूंगी कैसे मुझे पता है डांसिंग लेडी तुम मरना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लेकिन डेविल गॉड मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी नहीं कर सकती डांसिंग लेडी तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती नहीं डेविल गॉड नहीं आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी लेकिन एक मिनट ये किधर गया लगता है की डेविल गॉड भाग गया जल्दी से गाड़ी को यहाँ पे रोकती हूँ और अभी देखती हूँ की ये गया तो गया किधर वैसे भी मुझे अभी किसी भी चीज ऐसी कोई भी डर नहीं है क्यूँकी मैं तो मरना चाहती हूँ लेकिन ये डेविल गॉड किधर है लगता है कि यहाँ पे अंदर चला गया है डेविल गॉड अगर तुम अंदर हो तो फिर तुम जल्दी से बाहर आ जाओ लेकिन नहीं ये तो बाहर नहीं आ रहा इसका मतलब ये कि ये मर चुका है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि डेविल गॉड हमेशा हमेशा के लिए मर गया है लेकिन अगर ये मर चुका है तो फिर इसकी डेड बॉडी किधर है मुझे जल्दी से डेविल गॉड की डेड बॉडी को ढूंढना होगा और मेरे ख्याल से डेविल गॉड इधर ही है और एक मिनट ये मैं क्या देख रही हूँ डेविल गॉड तो यहाँ पे खड़ा है सर भी डांसिंग लेडी मेरी बात कान खोल के सुन लो मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी कोई भी नहीं है लेकिन ये मत भूलना कि डेविल गॉड तुम्हारा हस्बैंड हमेशा तुम्हारे साथ है डेविल मुझे पता चल चुका है कि ये तुम्हारी कोई और चाल है ठीक है अगर तुझे पता चल गया तो फिर ये ले और एक काम करके ये भी ले एक नंबर की नूबड़ी है ये जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा मैंने सोचा था कि इस पागल को अपनी बातों में लगा दूंगा लेकिन नहीं ये तो मेरी बातों में आ नहीं रही लेकिन जाने से पहले सोच रहा ऐसी हमेशा के लिए खत्म कर दो बल्कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं अभी टाइम नहीं आया सरबिया डांसिंग लेडी को खत्म करने का हो सकता है की ये वापस से मेरे पास आ जाए और अगर एक दफा ये मेरे पास आ गए तो उसके बाद हेलकोर्ट तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा मुझे मुझे लगा था की मैं ट्रेवल गोड को हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगी लेकिन मैं डेविल गोड को नहीं मार पाई और उसने भी मुझे नहीं मारा अब मैं क्या करूंगी एक काम करती हूँ की दोबारा द कर्स के पास जाती हूँ हो सकता है की वो मुझे अब की बारी माफ कर दे क्यूँकी अगर तो द कर्स ने मुझे माफ कर दिया फिर तो ठीक है और अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो फिर उसके बाद मैं खुद अपने आप को मार दूंगी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मुझे जल्दी से द कर्स के पास जाना होगा अरे यार हमें हम लोग अंदर आ गए सिंचन देख द कर्स कब से इसको देख रहा है अरे यार द कर्स तुम्हारा बेटा ओवरलॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है तुम्हें इसको भूल जाना होगा नहीं सिंह मैं इसको नहीं भूल सकता मैं तो बोलता हूँ की हम लोग ओवरलोड को नाइट किंग के पास लेके चलते हैं यार जॉब वैसे बात तो तूने बहुत ज्यादा ओपी की है हम लोग को इसको नाइट किंग के पास लेके जाना चाहिए लेकिन आमेटी, नाइट किंग हो सकता है कि इसको जिंदा ना कर सके क्या मतलब हो सकता है जिंदा ना कर सके अभी तुम शोर तो नहीं हो ना नहीं हमेटी मैं हंड्रेड परसेंट शोर नहीं हूँ लेकिन हो भी सकता है जिंदा कर दे इसको तो फिर तुम्हारा दिमाग किधर रहता है पहले तुम्हारे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं आई आमेटी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है हाँ मुझे पता है तुम्हें दुख हो रहा है लेकिन अभी आ जाओ फटाफट से उठाओ इसको इसको हम लोग

और सिंचन चौप ओवरलोड ये तीन लोग हैं यार गाइस अभी ये तीन लोग गाड़ी में बैठेंगे किस तरह गाड़ी को तो मैं फ्लाई करके लेके जाने वाला हूं, तो इन लोग को क्या करूं? गाड़ी के ऊपर बैठा दू क्या और तो कोई ऑप्शन नहीं है यार गाइस आ जाओ जल्दी करो टाइम नहीं है हम लोग के पास बेटी हाँ तुम सिंचन और को लेके जाओ मैं अपने बेटे को लेकर आ रहा हूँ वहाँ पे अच्छा लेकिन मेरे पास विंग्स है मैं फ्लाई करके जा सकता हूँ हाँ बेटी मैं भी जा सकता हूँ मेरे पास भी पावर है हाँ वो तो मुझे पता है की तुम एक जगह से दूसरी जगह एक सेकंड में जा सकते हो लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है ना नहीं हाँ बेटी ओवरलोड की गाड़ी के अंदर जगह नहीं है और गाड़ी के ऊपर मैं इसको नहीं रख सकता अच्छा गाड़ी के अंदर तो वाकई में जगह नहीं है ठीक है तो फिर मैं सिंचना चौक को लेकर जाता हूँ नॉर्थ यंग टाउन वाले ग्रेव के अंदर तुम अपने बेटे ओवरलोड को लेकर आओ ठीक है आमेठी मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगा लेकिन एक काम करो कि पहले तुम जाओ नहीं आमेठी पहले तुम जाओ नहीं 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 पहले मैं नहीं जाऊंगा लेकिन यार हमें हम लोग पहले क्यों नहीं जाएंगे सिंचन अगर तो हम लोग पहले चले गए ना उसके बाद अगर को सर्वे डांसिंग लेडी मिल गई तो फिर ये उसको मार देगा मारने दो सर्वे डांसिंग लेडी को मारने दो कौन सा हम लोग मार रहे हैं यार शायद तू भूल रहा है कि मैं हेल्प बॉसू और हेल्प गॉड ने मुझे एक रिस्पांसिबिलिटी दी है और वो ये है की मैंने सर्वे डांसिंग लेडी को कुछ भी नहीं होने देना तो फिर जल्दी करो दर्ज चले जाओ है, तुम हेल्प बॉस हो इसलिए तुम्हारा ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ अच्छा अच्छा है, अभी जल्दी से तुम जाओ नॉर्थन वाले ग्रेव यार्ड में सेंचन और चौब भी वहाँ पे ठीक है फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ कर चला गया लेकिन हमिद आपको क्या लगता है क्या हाँ सेंचन उसको जिंदा होना तो चाहिए क्योंकि नाइट किंग काफी ज्यादा खतरनाक है अगर उसने किया है तो फिर वो ओवरलोड को भी जिंदा कर लेगा मुझे तो लगता है कि ओवरलोड कभी जिंदा नहीं हो यार। पागल हो गया चॉप तू अच्छा-अच्छा एक दफा अगर हो गया ना उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन एक मिनट अब मैं इसको क्या करूँ मार दो टीम में मिली थी क्या मतलब इधर है क्या हाँ हाँ टीम डेवल गॉड इधर था मैंने उसको मारने की कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं मार पाई वो तो मुझे पता है डेवल गॉड तुमसे वैसे भी नहीं मरेगा मैं तो बोलता हूँ यार हाँ चॉप मुझे भी यही लगता है अभी 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 डेवल ग सिंह लेडी किधर है, वो? लेकिन हम ऐसे भी तो हो है कि ये हम लोग के साथ बोल रही हो। वैसे सिंचन मुझे ने तुम क्या बात की? मार तो नहीं पाई ना और हाँ वो तो वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम जाओ ना उसके पास नहीं हामिटी मुझे पता है कि वो मुझे दोबारा धोखा देगा ये बात तुम्हें समझ में तो आ गई है लेकिन बहुत देर से आई है और वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है सरबे नारिह लेडी मेरे सामने से हट जाओ लेकिन से मिलना चाहती हूँ अभी दर्ज से तो मिलना चाहती हो लेकिन वो अभी यहाँ पर है नहीं और वैसे भी तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा मर चुका है अभी एक काम करो कि जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो हम लोगों ने यहाँ से निकलना है लेकिन क्या तुम मेरे बेटे ओवरलोड को जिंदा कर सकते हो क्या तुम्हारे बेटे को मैं तो जिंदा नहीं कर सकता हूँ और ना ही हेल्ग और जिंदा कर सकता है लेकिन हाँ एक बंदा है जो की तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता है और मैं उसी के पास जा रहा हूँ अभी तुम एक काम करो की जल्दी से रास्ता छोड़ो तो फिर हामिटी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी नहीं तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ भी है लेकिन हामिटी ओवरलोड मेरा भी तो बेटा है हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा बेटा है लेकिन साइड पे हो जाओ मुझे लगता है कि ये हम लोग को फॉलो करेगी यार कैसे फॉलो करेगी चौप में अपनी गाड़ी को उड़ा के लेके जाऊंगा इसको नजर भी नहीं आऊंगा मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही हेलकोर्ट ने इसको मारने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया यार चौप ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है हम लोग को सर्वे डांसिंग लेडी को मार देना चाहिए लेकिन यार हमें हेलकोट ने मना किया तो कुछ ना कुछ सोच के मना किया होगा पता नहीं सिंचन अभी हेलकोर्ट ने क्या ही सोच के मना किया होगा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फाइनली यार हम लोग नॉर्थ यंग टाउन तो आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे द कर्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है द कर्स पे आपको कैसे दिखाई देगा द कर्स तो ग्रेव के अंदर होगा ना यार हाँ ग्रेव के अंदर होगा तो फिर हम लोग फटाफट से ग्रेव चलते हैं लेकिन यार हमें ये नॉर्थ यंगटाउन कितना ज्यादा ओपी लग रहा है हाँ सिंचन अभी ये काफी ज्यादा ओपी लग रहा है लेकिन अभी तुझे पता है ना कि क्रिसमस आ रहा है और क्रिसमस डे पर लॉस एंटो के सारे के सारे लोग नॉर्थ यंगटाउन आ जाते हैं तो फिर यार हमें इसका मतलब ये हम लोग भी आएंगे हाँ सिंचन हम लोग देखेंगे वैसे क्रिसमस यार जहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा ओपी सेलिब्रेट करते हैं पूरे के पूरे नॉर्थ यंगटाउन में ये लोग लाइट वगैरह लगा देते हैं काफी ज्यादा अच्छा लगता है मैं तो बोलता हूँ की हम लोग जरूर आएंगे यार सोचेंगे चो सोचेंगे अभी फिलहाल हम लोग जिस काम के लिए आए हैं हम लोग को वो करना होगा ये वाला दरवाजा तो हमेशा बंद ही होता है एक काम करता हूँ की दूसरी साइड से जाता हूँ लेकिन यार हमें तो ये नाइट किंग की तरह है। नाइट किंग इधर ही होगा संचन वो रात को निकलता है बाहर और मुझे लगता है की वो इधर ही होगा अभी तक तो मुझे यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो लगता है की चर्च के अंदर होगा यार ठीक है चौप अगर चर्च के अंदर होगा फिर भी उसको पता चल जाएगा की हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है की यार ये ड्राइवर पता नहीं किधर रह गया है ड्राइवर को छोड़ो ये गाड़ी किधर लेके जा रहे हो यार मैं सोच रहा हूँ की चौप गाड़ी को बिल्कुल सामने

डेवल गॉड सरबिया डांसिंग लेडी से मिलने के लिए आया था तो उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया मैं तो हेल बॉस हूँ और वो डेवल गॉड है यार गाइस गॉड के पास मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा पावर्स है और अगर उसके पास मुझसे ज्यादा पावर्स थी तो फिर उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया इसका मतलब ये की आप दोनों की पावर्स बराबर है यार मुझे भी चौप बिल्कुल ऐसा ही लगता है की मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी है इसीलिए डेवल गॉड ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया यार गाइस नहीं तो डेवल मेरे ऊपर अटैक करता मैं तो बोलता हूँ खत्म कर देते हैं यार चाहता तो चौप मैं भी यही हूँ लेकिन अभी डेवल गॉड को मुझे ढूंढना है

को मुझसे डर लग रहा है पता नहीं आप कौन से सपने देख लो डेविल गॉड को आपसे क्यों डर लगेगा यारे बॉस बन गया हूं। तू एक, रुक जा बस मेरे सामने एक दफा पास पावर जाए मैं तो बोलता हूँ तो तो बताऊंगा चौप एक दफा उसको आने तो मेरे सामने लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक और बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा है तेरे पास कौन सा प्लान है चौब मैं तो सोच रहा हूँ की हम लोग सर्वे डांसिंग लेडी को फॉलो करते हैं सर्वे डांसिंग लेडी को फॉलो करके क्या फायदा होगा चौप क्यूँकी मुझे लगता है की दोबारा सरबे डांसिंग लेडी के पास

क्या, क्या सोचता रहता है एक काम करके तू रह दे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं आ जाएगा दर्ज इधर ही आएगा लेकिन यहाँ हमद मेरे दिमाग में भी एक बात चल रही है अभी तेरे दिमाग में क्या बात चल रही है सिंचन मुझे तो लगता है की द कर्स अपने बेटे ओवरलोड को लेके कहीं और चला गया कहीं और चला गया क्या मतलब मतलब ये द कर्स और ओवरलोड ने हेल्थ कम्युनिटी को छोड़ दिया होगा सिंचन पता नहीं तुम लोग क्या सोचते रहते हो कहा से कहाँ निकल जाते हो सिंचन बिल्कुल ठीक बोले भाई द कर्स ने हम लोग को धोखा दिया यार जॉब क्या धोखा दिया कैसा धोखा दिया पागल हो गया क्या छोड़ दिया द कर्स ने हेल्थ कम्युनिटी को छोड़ दिया और अपने बेटे को भी साथ लेके चला गया यार एक काम करके चौप चुप चाप ऊपर खड़ा रहे और सिंचन तू भी एक काम करके ज्यादा मत सोच लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त तो है वो मुझे छोड़ के जाएगा। तो फिर यहाँ पे खतरनाक बीवी क्यूँ आ रही यार? अभी ये तो नाइट किंग को पता होगा चौप एक सेकंड चुप हो जाए थोड़ी देर वेट कर आ जाएगा नहीं आएगा यहाँ पे दर्स भी नहीं आएगा उसका बेटा भी नहीं आएगा मुझे पता है उसने हम लोग को धोखा दिया इसीलिए आपको बोला था पहले आप जाओ यार हाँ बोला तो उसने मुझे पहले मैं जाऊँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार

को पहले ही बता रहा हूँ वो कभी यहाँ पे नहीं आएगा यार एक मिनट लगता है कि मुझे अपनी पावर्स को यूज करना होगा जल्दी से यहाँ पे चेक कर लेता हूँ लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है यार गाइस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है मुझे तो लगता है कि द कर्स यहाँ पे आया ही नहीं है और ये देखो ये कब्जे यहाँ पे घूम रहे हैं यार गाइस कितने ज्यादा भयानक लग रहे हैं लेकिन खैर एक सेकेंड ये रहे ये लोग खड़े हुए यहाँ पे और मैंने इन लोग को किधर किधर नहीं ढूंढा पता नहीं यार गाइस ये लोग क्या ही करते हैं जल्दी से अपनी पावर्स को गैप करता हूँ और अभी चल के देखता हूँ की यहाँ पे हो क्या रहा है द कर्स तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हाँ बेटी मैं तो कब से इधर ही हूँ अच्छा ठीक है ये नाइट किंग ने क्या बोला है अभी तक कुछ बोला नहीं है लेकिन मेरे बेटे को देख रहा है ठीक है ठीक है ये मेरे ख्याल से कर लेगा यार यार ये ये काफी ज्यादा खतरनाक है 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 और वो वो जो साथ में रेड कलर के कपड़ों वाली है ना यार, वो इसकी बीवी है, ये दोनों के दोनों कबर से मॉन्स्टर्स को निकाल के खाते हैं या फिर इंसानों की डेड बॉडी हो तो फिर ये लोग वो भी खा लेते हैं काफी ज्यादा अजीब से क्रीचर है दोनों के दोनों बहुत खतरनाक है इतना तो मुझे पता है द कर्स को भी इन दोनों ने जिंदा किया था और अभी ये देख

हेल्प बॉस बन गया हो हाँ मैं हेल्प बॉस हूँ लेकिन मैं तो इसको जिंदा नहीं कर सकता हूँ इसको तो हेल गॉड भी जिंदा नहीं कर सकता लेकिन मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ जल्दी करो प्लीज जल्दी से इसको जिंदा कर दो ठीक है मैं कोशिश करूंगा लेकिन अभी तो सुबह होने वाली है तुम लोग एक काम करो के दो दिन के बाद आना क्या बात कर रहे हो दो दिन के बाद क्यों मुझे इसको सही से देखना होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जिंदा हो सकता है या फिर नहीं अच्छा तुम अभी देख के नहीं बता सकते क्या अभी देख के तो मैं तुम लोग को यही बता सकता हूँ की ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता तो फिर दो दिन के बाद क्या होगा दो दिन के बाद मैं तुम्हे कन्फर्म बताऊंगा की ये जिंदा हो सकता है या फिर नहीं अभी तुम लोग जा सकते हो चलो ठीक है अभी हम लोग क्या हाँ बेटी पता नहीं मेरा बेटा बचेगा या फिर नहीं देखो हम लोग जितना कर सकते

मैं यहीं पे रहूंगा अच्छा मुझे पता है अपने बेटे को छोड़ के तो तुम नहीं चलोगे ठीक है फिर तुम यहीं पे रुको हाँ बेटी एक मिनट यहाँ पे आओ हाँ बोलो क्या हुआ नाइट किंग एक जगह बताता हूँ वहाँ पे जाके चेक करो हो सकता है कि मिल जाए तुम्हें क्या बात कर रहे हो तुम्हारे पास की लोकेशन है क्या मुझे कन्फर्म नहीं है तुम लोग वहाँ पे जाके चेक करो हो सकता है की मिल जाए बताओ नाइट किंग जल्दी बताओ लूसीफर की लोकेशन बताओ मुझे तुम लोग के लॉस सेंटो अंदर ही एक हिडन आईलैंड है उसके अंदर हो सकता है की लूसीफर मिल जाए तुम्हें क्यूँकी मुझे दो तीन दिन पहले ऐसा फील हुआ था कि वहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल चीज है पावरफुल चीज क्या मतलब लूसीफर अरे नहीं, नहीं लूसीफर नहीं लूसीफर तो मर चुका है ना उसके साथ कोई और पावरफुल चीज है और मेरे ख्याल से वो उसका ब्लड रिलेशन है लूसीफर के साथ उसका ब्लड रिलेशन क्या मतलब लूसीफर का भाई तो नहीं है पता नहीं हामिटी तुम जाके चेक कर सकते हो अच्छा ठीक है मैं जाके चेक करता हूँ और तुम तो मेरी एक बात सुनो ये ओवरलोड जिंदा हो सकता है क्या ज्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिंदा हो जाए अच्छा ठीक है थैंक यू नाइट किंग तुम प्लीज ओवरलोड को जिंदा करना और द कर्ज का भी ख्याल रखना मैं जल्दी से जाके लूसीफर को देखता हूँ यार गाइस हम लोग को नाइट किंग ने बताया की लूसीफर जिंदा है बल्कि नहीं ये न्यूज ने हम लोग को बताया लेकिन उसने हम लोग को ये बताया की लूसीफर के साथ कोई उसका ब्लड रिलेशन है अभी हेल गोड तो नहीं है लूसीफर के साथ ऐसा भी तो हो सकता है की हेल्ड

चौप मुझे भी ऐसा ही लगता है देख हेलगोर्ड ने हम लोग को लास्ट वाले एपिसोड में ये बोला था कि वो हेल के अंदर वापस जा रहा है अरे यार ने बोला कि वो हेल के अंदर वापस जा रहा है इसका मतलब ये वो हेल के अंदर वापस चला गया होगा नहीं सिंचन, उसने हम लोग के साथ झूठ बोला है लेकिन या, मैं हेलगौर को अच्छे से जानता हूँ वो कभी भी झूठ नहीं बोलता अच्छा तो फिर कौन है लूसीफर के साथ यहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो जाके चेक करते ना यार ठीक है चौप फटाफट से जाके चेक करते हैं मेरे ख्याल से तो हेलकोर्ट का दूसरा बेटा होगा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं लूसीफर को देखना चाहता हूँ यार बस एक दफा वो हम लोग को मिल गया ना उसके बात काम हो जाएगा लिटरली में यार गाइस लूसीफर के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं और अगर लूसीफर और मैं हम दोनों एक साथ हो गए तो उसके बाद डेविल गॉड तो गया हाँ भाई साहब आप लोग समझो कि गया डेविल गॉड उसके बाद बिल्कुल भी नहीं बचेगा लेकिन लूसीफर भी तो हम लोग को चाहिए यार गाइस पता नहीं वहाँ पे होगा भी या फिर नहीं लेकिन यार हमें दे दे हम लोग के साथ क्यों नहीं चल रहा द दर्स अपने बेटे के साथ ही रुकेगा सिंचन लेकिन क्या बोला नाइट किंग ने यार नाइट किंग ने बोला है की वो कोशिश करेगा ओवरलोड को जिंदा करने की लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है इसका मतलब ये कि ओवरलोड कभी जिंदा नहीं हो सकता यार चॉप भी इस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं लेकिन मुझे उसकी बताई हुई लोकेशन पे जाना है चलो चलो गाड़ी को जल्दी से भगाओ यार एक मिनट भगाने से काम नहीं होगा मुझे अपनी गाड़ी को फ्लाई करना है मैं भी यही चाहता हूँ जल्दी से इसको फ्लाई करो यार एक सेकंड रुक जा जाओ सीधे रास्ते पे उसको फ्लाई करूंगा जैसे कि ये वाला रास्ता लूसीफर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है पता नहीं वो किस हाल में होगा मुझे तो लगता है की लूसीफर मर चुका है चौप देख अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ना हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा की लूसीफर जिंदा है या फिर नहीं सिंह तो पहले कभी इस जगह को देखा है क्या अरे नहीं यार हमिदा ये वाली जगह तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ मैंने भी ये वाली जगह पहले कभी नहीं देखी है तो फिर आप आगे क्यों जा रहे हो यार चौप मैं हेल्प बॉस हूँ तू मेरी चिंता मत कर एक काम करके जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जा ऐसे कैसे गाड़ी के अंदर बैठ जा मैं आपके साथ चलूंगा यार अच्छा चलो ठीक है लेकिन संभल के आना ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी लग रही है मुझे आज से पहले ये जगह मैंने कभी भी नहीं देखी है यार गाइस और मुझे इसकी लोकेशन नाइट किंग ने बताई है लेकिन यार यहाँ ऐसा ना हो नाइट किंग हम लोग को मार दे अभी नाइट किंग हम लोग को क्यों मारेगा मार सकते हैं हमिद नाइट किंग हम लोग को मार सकता है यार एक काम करके चौप तू चुप आप गाड़ी के ऊपर बैठा रहे मुझे अंदर जाने दे थोड़ा सा हम लोग अंदर जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन लोग रहते हैं जगह तो काफी ज्यादा अजीब सी है और बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही है लेकिन यार हमें मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है सिंचन फिर एक काम करके वापस से गाड़ी में बैठ जा लेकिन यार हमें अगर आपको यहाँ पे किसी ने मार दिया तो फिर सिंचन मुझे लगता है की यहाँ कहीं पे डेवल गॉर्ड है तो फिर यार हमें डेवल गॉर्ड आपको मार देगा हम लोग को यहाँ से जाना होगा लेकिन सिंचन देख मैं श्योर नहीं हूँ मुझे नाइट किंग ने बोला है की लूसीफर के साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन है और डेविल गॉड लूसीफर

साथ में आप लोग भी गौर से देखना जहाँ कहीं पे भी आप लोग को लूसीफर दिखाई दे ना उसी समय कमेंट करके लूसीफर ओपी लिख देना मुझे समझ में आ जाएगा कि लूसीफर इधर ही है मगर मुझे तो अभी यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हाँ यार गाय यहाँ कहीं पे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा और एक मिनट वहाँ से घूम के आया था और अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे अंदर वाली साइड पे अरे हमेद मैं आपको देख सकता हूँ सिंचन मैं भी तुझे देख सकता हूँ तो फिर यार हमिद आप वहाँ से घूम के यहाँ पे क्यों आ गए क्योंकि मैं लूसीफर को ढूंढ रहा हूँ सिंचन ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी है कुछ भी समझ में नहीं

किसी मछली की हड्डी लग रही है लेकिन यार हमिद ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई ना कोई मॉन्स्टर सो रहा हो मॉन्स्टर ऐसे कैसे सो रहा होगा सिंचन ये हड्डियां है मुझे सही से दिखाई दे रहा है किसी बड़े से जानवर की हड्डियां है और इसके ये क्या चीज है ये इसके हाथ हैं क्या हाँ यार गाइस ये इसके हाथ है और चार उंगलियां हैं इसकी तो फिर यार हमिद इसका मतलब ये कि ये कोई ना कोई मॉन्स्टर होगा सिंचन अब अगर ये मॉन्स्टर हुआ तो फिर भी ये मुझसे बचेगा नहीं क्यूँकी मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है मैं हेल्प बॉस हूँ इसलिए मुझे किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है मेरा टारगेट है लूसिफर को ढूंढ के निकालना अभी पता नहीं यार ये कहीं पे होगा भी फिर नहीं जगह तो मैंने ऑलमोस्ट सारी सारी की सारी चेक कर ली है लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है इसलिए एक काम करता हूँ एक चीज दिखाई दे रही है अभी एक मिनट ये कोई ना कोई दरवाजा है लेकिन यार टूटा हुआ है बल्कि नहीं टूटा हुआ नहीं है ये तो है ही नहीं किसी और जगह की एंट्रेंस से पहले मैं ये सारी की सारी जगह चेक कर लेता हूँ उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे जाएंगे मगर एक मिनट ये क्या चीज है काफी ज्यादा अजीब सी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और धीरे धीरे हवा भी तेज हो रही है सिंचन की चिंता हो रही है यार गाइस मुझे तो कुछ भी नहीं होगा सिंचन तू ठीक है ना अरे हाँ यहाँ हमदा मैं आपका वेट कर रहा हूँ ठीक है सिंचन तू वहीं पे मेरा वेट कर और ये क्या चीज है एक सेकेंड ये क्या चीज है जमीन पर ट्रॉफी दिखाई दे रही है मुझे यार गाइस ये कोई ट्रॉफी है लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है ट्रेजर है मेरे ख्याल से ये कोई ना कोई ट्रेजर होगा यहाँ पे लेकिन अभी मुझे ट्रेजर नहीं चाहिए यार गाइस ये ट्रॉफी तो गोल्ड की इतना तो मुझे पता है लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने नहीं आए हैं हम लोग यहाँ पे लूसीफर को ढूंढने के लिए हैं। अभी पता नहीं किधर होगा एक काम करता हूं कि थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ लूसीफर मेरे ख्याल से इधर ही होगा यार गया लेकिन अभी तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ये जगह काफी ज्यादा भयानक है यार मैं इस वाले गेट से अंदर तो आ चुका हूँ लेकिन अभी आगे किधर जाना है ये मुझे नहीं पता एक मिनट एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड। पता नहीं अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नहीं लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है और एक चीज नहीं यार गाइस मुझे दिखाई दे रहा है लिटरली मैं यार गाइस मुझे लूसीफर दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये लूसीफर वापस से जिंदा होने वाला है मगर अभी हम लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने वाले है यार गाइज बिल्कुल धीरे धीरे जाऊंगा आगे की तरफ क्यूँकी मुझे पता लगाना है की ये इसके पास कौन है इतना ज्यादा स्मोक निकल रहा है कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता हूँ गन निकालने की भी जरूरत नहीं है क्या करूँ क्या करूँ मेरे पास डांसिंग लेडी वाली पावर्स नहीं है ना यार गाइस नहीं तो मैं यहाँ पे गायब हो जाता और सीधा सामने जाके चेक कर लेता कि पे हो क्या रहा है लेकिन मेरे पास डांसिंग लेडी वाली पावर्स नहीं है बॉस वाली पावर्स है मेरे पास मैं इनको खत्म तो कर सकता हूँ लेकिन ये लोग है कौन और ये मुझे कोई लड़की दिखाई दे रही है हाँ यार गाय सर पे इसने क्राउन पहन के रखा है मगर ये कौन हो सकती है कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है मैं देखने

ये देख रही है दोबारा देख रही है है तो ये बहुत ज्यादा भयानक लेकिन ये है कौन और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यार गाइस ये कर क्या रही है कहीं लूसीफर की डेड बॉडी को खा तो नहीं रही बल्कि नहीं यार गाइस यारूसीफर की डेड बॉडी को कैसे खाएगी थोड़ा सा सामने से गौर से देखता हूँ अभी मुझे दिखाई दे रहा है यार गाइस सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है शक्ल देखो इसकी कितनी ज्यादा भयानक है देख रही है मेरी तरफ मुझे लगता है की इसको पता है की मैं दरी हूँ लेकिन अगर इसको पता होता तो फिर ये मुझसे बात करती ना एक काम करता हूँ की धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ है तो यार गाइस ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक पता नहीं क्या करिए देखो दोबारा देख रही है दोबारा देख रही है लेकिन इसको मैं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा हूँ मुझे जल्दी से थोड़ा सा पीछे जाना होगा लूसीफर मिल गया यार गाइस इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है लेकिन मुझे एक चीज परेशान कर रही है लूसीफर को तो मैंने मारा था ना और मैंने इसको ऐसे मारा भी नहीं था यार गाइस मेरे पास हेल गॉड की पावर थी तो फिर ये एकदम से कहा से आ गई ये बात समझ में नहीं आ रही यार गाइस लूसीफर को इसने कैसे उठा लिया और ये है कौन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ एक मिनट एक मिनट यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ हाँ यार गाइस और अभी मेरे पास एक आइडिया है मेरे पास एक आइडिया है क्यों ना मैं अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करू उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि ये दिखने में कैसी है और ये है कौन फिलहाल तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है की ये लूसीफर को कुछ कर रही है यार गाइस काफी ज्यादा दुआ निकल रहा है कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है और एक मिनट बिल्कुल बीच में नहीं खड़ा हूँ मुझे खड़ा होना है यहाँ पे और बल्कि नहीं यहाँ पे भी नहीं ये जगह भी ठीक नहीं है किसी पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ एक मिनट काफी ज्यादा आवाज हो रही है मुझे लगता है कि इसको पता चल जाएगा बट नहीं यार गाइस ये जगह परफेक्ट है यहाँ से अब मैं क्या घंटा कैमरा निकालूंगा ये जगह ठीक नहीं है मुझे जाना है किसी सही सी जगह पे जैसे मतलब देख नहीं सकती जल्दी से मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करता हूँ मुझे देखना ले कहीं पे। यार गैस, ये कर क्या रही है कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा ये पेड़ का पत्ता कहाँ से बीच में आ रहा है बल्कि नहीं जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है काफी ज्यादा अजीब सा पता नहीं क्या कर रही है इसके पेट के अंदर हाँ यार गाइज इसके पेट के अंदर कुछ कर रही है थोड़ा सा और करीब जाता हूँ ये पेड़ के पत्ते गायब हो जाने यार गाइज यहाँ से हम लोग को सही दिखाई देगा थोड़ा सा आगे करके चेक करता हूँ यार गाइज ये है तो कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीज इतना तो मुझे पता चल गया है कि ये काफी ज्यादा डिफरेंट चीज है और लूसीफर के पेट में कुछ कर रही है कब से लेकिन इसके सर में क्या चीज है ये किस तरह का क्राउन है अभी एक सेकेंड नहीं यार गाइस ये क्राउन नहीं है ये वो चीज है वो जो सर पे पहना के टॉर्चर नहीं करते थे पुराने जमाने के लोग ये वो चीज है हाँ यार ऊपर देखो कितने ज्यादा कील लगे हुए है इसका मतलब ये की इसके सर के अंदर कील है यार आर्गाइज ये क्या चीज है इसके सर के अंदर इतने ज्यादा खतरनाक कील और साथ में ढेर सारे स्पाइक्स भी है जो की सीधा इसके सर के अंदर घुस रहे हैं यार आर्गाइज देखो अभी मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा यार ये जो इसके सर के ऊपर चीज पहनी हुई है ना इसका मतलब ये कि इसको किसी ने, किसी ने टॉर्चर किया है पता नहीं क्या कर रही है आप लोग क्या यार के पास या फिर नहीं अभी अगर मैं के पास गया तो फिर ये मुझे पावर है और मैं इसको तो इजिली मार सकता हूँ साथ में लूसी को भी खींच के अपनी तरफ लेकर आ सकता हूँ लेकिन उसके बाद क्या करेंगे तो जिंदा है ही नहीं मेरे ख्याल से लूसीफर को जिंदा कर रही है क्या करूँ सिंचन को भेजू क्या मुझे लगता है की बल्कि नहीं नहीं सिंचन को कैसे भेज

लूसीफर मिल गया है तो फिर फेरिया हमद मुझे भी दिखाओ सिंचन वो अभी तक जिंदा नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी लड़की है, या फिर है मुझे नहीं पता नहीं सिंचन मुझे लग रहा है कि वो को कर रही और काफी धुआं भी निकल रहा है धुएं के बीच में लूसीफर पड़ा हुआ है और वो लड़की पता नहीं उसके पेट में क्या कर रही है मुझे तो लगता है की वो लूसीफर के ऑर्गन को निकाल के खा जाएगी क्या बोल रहा है ऑर्गन को निकाल के खाएगी अरे हारद मुझे तो ऐसा ही लगता है तू एक काम करके सिंचन तू दे। तो फिर वो उसके पेट के साथ क्या कर रही है जिंदा करने की कोशिश कर रही है मुझे तो ऐसा ही लगता है चौप है चौप तो गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है एक काम कर चौप को लेकर से पता करते हैं मैं तब तक दोबारा जाके चेक करता हूँ लेकिन यहाँ मैं भी साथ में चलूंगा तू एक सेकंड चौप को लेकर आना फिर उसके बाद साथ में चलते हैं चाहिए होगा यार गाइस अभी मुझे हेल गॉड चाहिए ये सब कुछ हम लोग को हेल गोड ही बता सकता है मुझे बताओ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ अंदर की तरफ लूसीफर है लुसिफर के साथ एक लड़की है जो की उसके पेट के अंदर पता नहीं क्या कर रही है निकाल के खा जाएगी उसके यार पागल हो गया चौप निकालने के लिए उसको मिला है क्या के बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे ना मेरे ख्याल से वो लूसीफर के ऑर्गन को निकाल के खा जाएगी और फिर खुद भी पावरफुल बन जाएगी यार नहीं 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 चौप मुझे नाइट किंग ने बोला था कि वो लूसीफर का ब्लड रिलेशन है तो फिर यार लूसीफर की बहन होगी सिंचन ये तो मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे वो हेल गॉड की बीवी लग रही है। क्या बात करे हेलगॉड की बीवी कैसे होगी वो तो नर्क के अंदर होगी ना यार लेकिन यार हमें नर्क के अंदर तो हेलगॉड की बीवी है ही नहीं हाँ ना तू ने नर्क में इतना ज्यादा टाइम गुजारा है तुझे तो पता होगा ना की हेलगॉड की बीवी किधर है अरे यार हमें तो कभी भी उसको नर्क में देखा ही नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है की एक मिनट मुझे एक चीज समझ में आ रही है कौन सी चीज समझ में आ रही है मुझे बताओ लेकिन पहले लूसीफर तो दिखाओ ना यार दिखाता हूँ दिखाता हूँ मुझे लगता है की हेलगॉ ने अपनी बीवी को मारा है क्या बात करे पागल वगल हो गयो क्या यार अच्छा मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल चल रहे हैं सेंचन ने एक काम करके जल्दी से हेलगोड को यहाँ पे लेकर आ और चौप तू मेरे साथ चल लेकिन यार हमें लूसीफर को मैं भी देखना चाहता हूँ चलो ठीक है फिर तुम दोनों मेरे साथ हो लेकिन तुम लोगों ने आवाज नहीं करनी है अगर तो तुम लोगों ने आवाज की तो फिर उसको पता चल जाएगा की हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं किसको पता चल जाएगा यार अभी उसी को चौप लूसीफर को जिंदा कर रही है तुम लोग धीरे धीरे मेरे साथ तो फिर आप क्यों भाग रहे हो यार चौप मैं धीरे धीरे भाग रहा हूँ मेरी आवाज उस तक नहीं जाएगी लेकिन तू अगर जानवरों की तरह भागेगा तो फिर उसको तो तो पे खड़े होकर चेक कर लो तुम लोग ये तो कुछ ज्यादा ही भयानक चीज है यार चौप एक मिनट मेरी बात सुन तू तो इंसान नहीं है ना वो तो मुझे पता है आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो नहीं चौप देख मेरी बात सुन तू एक काम करना के सामने की तरफ जाके देख के वहाँ पे हो क्या है लेकिन अगर इसने मुझे देख लिया तो फिर

पूरा का पूरा फोकस लूसीफर के ऊपर है मुझे तो लगता है की लूसीफर की मामा होगी मुझे ऐसा ही लगता है अभी पता नहीं यार गाइस सिंचन एक काम करना कि फौरन से पहले जाके हेलगॉड को इधर लेकर आ मैं तब तक इसके ऊपर नजर रखता हूँ लेकिन यार हमें जिंदा हो गया और लूसीफर भी जिंदा हो गया तो फिर हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे सिंचन देख अगर ओवरलोड जिंदा हो गया और साथ में लूसीफर भी जिंदा हो गया उसके बाद हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे ना कि तू सोच भी नहीं सकता है हम लोग के पास हमारे सारे के सारे दोस्त वापस आ जाएंगे यार हाँ चौप डेवल गॉर्ड का तो देख डेवल बॉस भी हम लोगों ने मार दिया द नन को भी हम लोगों ने मार दिया सर्वे डांसिंग लेडी वैसे ही हम लोग की टीम के अंदर आना चाहती है इसका मतलब यह है की डेवल बिल्कुल अकेला रह चुका है लेकिन हम लोग के पास हमारी पूरी की पूरी आर्मी है अरे हाँ हमिद्या हम लोग जीत जाएंगे लेकिन सिंचन अभी तू जाके हेल गॉड को यहाँ पे लेकर आ लेकिन आक हमिद्या आपने मुझे बोला था की आप मुझे पांच मिनट के लिए हेल्प बॉस बनाओगे लेकिन सिंचन तूने ने कॉमेंट्स को है क्या अरे नहीं यहाँ हामिद वो तो मैं वीडियो के बाद पढ़ूंगा और यहाँ गायद हम लोग को ये भी बताना की आप लोग को क्या लगता है की ये लूसीफर की कौन होगी मुझे तो लगता है की लूसिफर की बीवी यार तू हमेशा कुछ नया ही बोलता है मुझे लग रहा है कि उसकी मामा या फिर उसकी बहन है और चौब बोल रहा है, है हो रहा तो है, है पागल हो गया क्या नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ पता चल जाएगा यार ठीक है तो यार से मिलता हूँ के अंदर अगर आप लोग डांसिंग के पहले वाले एपिसोड देखना चाहते हो तो यार चैनल पर आप लोग को प्ले मिल जाएगा मिलते हैं एक और गेम प्ले के अंदर